चलिए आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का आज चौथा दिन है और आखिरी भी दिन शनिवार को शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों का विदाई समारोह में वो राष्ट्रपति शामिल हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। इससे पहले शुक्रवार शाम राजभवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में रात्रि भोजन का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने परिवार के साथ शिरकत की। उनके अलावा इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, कई वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर हिमाचली वाद्य यंत्रों की थाप पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। राष्ट्रपति और मेहमानों को HPDC के कई तरह के व्यंजन भी परोसे गए। इनमें हिमाचली व्यंजनों में गुच्छे की नजाकत, सेपू बड़ी, राजमा, मदारा के अलावा राष्ट्रपति के लिए शंगूर फ्री बाथू की खीर और बरवा आलू की तरकारी विशेष तौर पर परोसी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शिमला में आखिरी दिन है, आखिरी दिन वो दौरा करेंगे। और आपको बता दें कि अच्छे से उनकी खातिरदारी हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 22 सितंबर से 5वीं सहित 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने की तैयारी की गई है। 20 या 21 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा। अभी 21 सितंबर तक सरकार ने विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में स्कूल बंद रखे थे। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को अगले हफ्ते से विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने की संभावना को देखते हुए तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा है। स्कूल प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने पर 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया है। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूलों में आने की मंजूरी भी दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच दोबारा संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, जिसके बाद 10 अगस्त को सरकार ने स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया। इस तारीख को बढ़ाकर फिर 30 अगस्त कर दिया गया। इसके अलावा इसके बाद 5 सितंबर और फिर 21 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में आने पर रोक लगा दी गई। अब संभावना जताई जा रही है कि 22 सितंबर से स्कूलों में 5वीं सहित 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोबारा नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी।